देखिए कितनी सुंदर, मात्र पंचोपचार विधि से जो भी हमको चावल पुष्प मिला है उसी से हमने यह पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है, आप भी इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। चलिए यह वीडियो हम देखते हैं किस प्रकार से हमको सूक्ष्म सामग्री में दिव्य पूजा करना चाहिए। नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की सूक्ष्माति सूक्ष्म और दिव्याति दिव्य विधि बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास सामग्री का अभाव है तब आप किस प्रकार से थोड़ी सी सामग्री में ही जो घर में उपलब्ध होती है ऐसी सामग्री से भगवान का पूजन कर सकें। वर्तमान में कोरोना के कारण बाहर की कुछ सामग्री घर में लाई भी नहीं जा सकती है और बाहर जाना भी उचित नहीं है। अतः जो भी सामग्री आपके पास घर में उपलब्ध है उसी सामग्री से हम पूजन करने वाले हैं। पूजन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़नी है, तो सबसे पहले जो है हमें दूध की व्यवस्था कर लेनी है। ये हमने गिलास में दूध रखा हुआ है, कटोरी में हमने यहाँ दही की व्यवस्था किया हुआ है, दही के साथ जो है हमने घी भी रखा है, घी के साथ शहद है, शहद के साथ हमने जो है शक्कर को पानी में मिक्स कर लिया क्योंकि भगवान को स्नान कराना है, इसलिए जो है हमने पानी में उसको अच्छे से घोल लिया है। नैवेद्य, भगवान को हम मूंगफली और शक्कर का नैवेद्य दिखा रहे हैं क्योंकि हम बाहर से कुछ नैवेद्य नहीं ला पा रहे हैं, अतः जो है हम यहाँ नैवेद्य के लिए मूंगफली और शक्कर रखेंगे। फल के लिए यहाँ कदली फल तो है ही हमारे पास, धूप जल रहा है, एक दीपक हमने अधिक बनाया हुआ है, भगवान के दक्षिण भाग में भी एक हमने जो है दीपक प्रज्वलित कर दिया है। वस्त्र की व्यवस्था, हमने भगवान के लिए वस्त्र की भी व्यवस्था की हुई है, अगर आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो अगर पुराना वस्त्र है उसी को धुल करके गंगा जल से शुद्ध करके पहना सकते हैं आप। शंख और घंटी व्यवस्थित की हुई है, साथ में ही हमने जो है पुष्प रखे हुए हैं, पीले पुष्प भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, और तुलसी पत्र, ये हमने तुलसी पत्र रखा हुआ है, इसी के साथ जो है चंदन और चावल है। बस एकदम सिंपल साधारण सी सामग्री है जो सहज में ही आपके घर में उपलब्ध हो सकती है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, सबसे आशीर्वाद लेना है, आपके घर में मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनको प्रणाम करना है। स्थान देवता, स्थान देवता अर्थात आपके घर के पास जो भी बड़ा मंदिर इत्यादि है वहाँ जो भी देवी देवता निवास करते हैं, जिन देवी देवताओं का वह मंदिर है वह स्थान देवता कहलाते हैं, उनको प्रणाम करना है। ग्राम देवता, गांव में आपके जो बड़ा मंदिर होता है, हर मनुष्य की जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं, गाँव में जो भी बड़ा मंदिर होता है वही ग्राम देवता कहलाते हैं, अतः ग्राम देवता को भी स्मरण करना चाहिए। आपके कुल देवता, आपके जो कुल की रक्षा करते हैं वह कुल देवता कहलाते हैं, तो उन कुल देवता का भी स्मरण करना चाहिए। आपके सद्गुरु, अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो भगवान शिव अथवा कृष्ण को ही गुरु समझ करके उनका भी आपको स्मरण करना चाहिए। अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात ही पूजा में सपरिवार बैठना चाहिए। इस तरह से दिव्याति दिव्य तैयारी करके आपको भगवान को जो है स्मरण करना है, हाथ जोड़ना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस तरह बोल करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। नहीं आता है मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप 12 बार उच्चारण कर लीजिए। इस तरह से करने के पश्चात यह पूजा हमको कब करनी है पहले यह भी जान लीजिए, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, अतः यह पूजा हमें 12 बजे से 15 मिनट पहले करनी है क्योंकि मध्य रात्रि में ही हमको भगवान का जन्म कराना है। अतः जो है हम क्या करेंगे, 12:15 बजे
11:45 में पूजा के स्थान पर बैठ जाएं, भगवान का नाम उच्चार करते हुए भगवान को हमको जन्म कराना है। एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म जन्म कराने की विधि है, बहुत बड़ा कोई आडंबर नहीं है, बहुत बड़ी कोई सामग्री की व्यवस्था नहीं है। मन के भाव और सूक्ष्म सामग्री के द्वारा हम भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आचमन करें, 3 बार जल पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लेना है, हस्तौ प्रक्षाल्यः। हाथ धोने के बाद स्वयं को पवित्र करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। अपने ऊपर जल का छिड़काव करें, आसन इत्यादि को भी पवित्र करें। ओम पृथिव्यै नमः, वसुंधरायै नमः। स्वयं को तिलक लगा लें। तिलक लगाने के पश्चात शिखा के स्थान को स्पर्श करें, वहाँ जो है महामाया महासरस्वती का वास होता है। शिखा को स्पर्श करने के पश्चात पुनः हाथ धो लें। तत्पश्चात हाथ में चंदन चावल पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करें। हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इस कामना के साथ हम आपका स्मरण करते हैं। थाली में ही पुष्प अर्पित कर दें। घंटी और शंख में भी देवी देवताओं का वास होता है, घंटी और शंख को भी प्रणाम कर लेना है। चावल शंख में चावल नहीं अर्पित करना है। इसके बाद दीपक में भी हमारा यह कर्म का साक्षी है, अतः यहाँ भी जो है हमें अर्पित कर देना है। तत्पश्चात ये जो हमारा धूप जल रहा है, इसमें भी गंधर्व इत्यादि देवता होते हैं, यहाँ भी हमको चावल पुष्प छोड़ करके प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। इसके बाद जो है हम भगवान का बढ़िया दिव्याति दिव्य यहाँ आसन बनाएंगे। आसन बनाने के लिए आपको इसमें अष्टदल बनाना है। अष्टदल बनाने के लिए बस चंदन से ही इस तरह से पहले धन का निशान बनाइए, फिर एक टेढ़े धन का निशान बना लीजिए, और इन रेखाओं को बस मिलाते जाइए। भगवान का पूजा करते समय भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। मंत्र नहीं आते हैं कोई बात नहीं, मंत्र आ जाएं तब तो उत्तम ही है, परंतु अगर नहीं आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें जो है भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस तरह नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। यहाँ हम तुलसी पत्र रख देंगे और उसी तुलसी पत्र पर भगवान को विराजमान करवाएंगे। यह देखिए, इस तरह से विराजमान करवाने के बाद सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है। अरविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस तरह से भगवान का स्मरण करते हुए यहीं आपको चावल पुष्प छोड़ देना है। भगवान को शुद्ध जल से बढ़िया स्नान कराना है, अतः इस तरह से हम जो है भगवान को बढ़िया दिव्य स्नान कराएंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यहाँ हम भगवान का जो है दिव्याति दिव्य इस तरह से जल से अभिषेक कर देंगे, थोड़ा सा स्नान करवा देंगे। स्नान करवाने के पश्चात हम भगवान को थोड़ा सा दूध अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए हमने भगवान को दूध अर्पित किया। दूध चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़ा सा अक्षत भगवान को अर्पित करें, तत्पश्चात दही अर्पित करें भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से नाम उच्चारण करते हुए हमने यहाँ दही से स्नान कराया, भगवान को हम शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शुद्ध जल के पश्चात थोड़ा सा अक्षत चढ़ा करके नमस्कार करेंगे। अब हम भगवान को घी चढ़ाएंगे, हाथ में थोड़ा सा घी ले लें, और इसके पश्चात जो है भगवान को अनामिका उंगली के माध्यम से बढ़िया जो है दिव्य घी लगा देवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस तरह से बोलते हुए जो है हम यहाँ भगवान को घी अर्पित करेंगे। घी के पश्चात हम भगवान को जल और चावल अर्पित करेंगे। घी के पश्चात हम भगवान को शहद अर्पित करेंगे। शहद ले लेंगे और चम्मच के माध्यम से ही हम भगवान को शहद अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से मधु अर्थात शहद से हम भगवान का स्नान कराएंगे। तत्पश्चात शुद्ध जल अर्पित करेंगे, नाम स्मरण करते रहें। तत्पश्चात भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत के पश्चात हमें भगवान को यहाँ शक्कर अर्पित करनी है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, शक्कर को जो है पानी में मिक्स कर दिए हैं, तो एकदम बढ़िया घुल गई है। अब जो है हम भगवान को बढ़िया स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से बोलते हुए जो है हम भगवान को शक्कर के जल से स्नान करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अक्षत चढ़ाएं। अब हम यहाँ जो है भगवान को पंचामृत स्नान कराएंगे। जब आप 15 मिनट पूर्व इस तरह से कार्य करेंगे, 12 बज जाएंगे, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और एक बड़े बर्तन में अपने परिवार की संख्या के अनुसार और भगवान की आपके पास कितनी बड़ी प्रतिमा है उस प्रतिमा के अनुसार आपको जो है पंचामृत बनाना है। क्यों, क्योंकि हम प्रतिमा को जो है, भगवान को जो है इस पंचामृत के अंदर रखने वाले हैं। 12 बजे से पहले ही जो है आपको भगवान को पंचामृत के अंदर प्रविष्ट करा देना है। पंचामृत जैसे ही मध्य रात्रि होगी हम भगवान को पंचामृत से बाहर निकालेंगे और फिर जो है उनका दूध से अभिषेक करेंगे और उस समय हम नाम संकीर्तन करते रहेंगे। इसलिए जो है बर्तन आपके हिसाब से होना चाहिए। हमारे पास सारे बर्तन जो हैं भोजन करने वाले हैं, ये बर्तन हमारे कुछ जो हैं भोजन करने वाले नहीं हैं, जिनको हमने केवल पूजा के लिए बनाया हुआ है। अतः हमारे पास बर्तनों की कमी है, तो हम यहाँ लोटे में ही भगवान को प्रविष्ट कराने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तन में जो है आप भगवान को रख दीजिए। यहाँ उनका थोड़ा सा मुकुट दिख रहा है, अतः ये जो बचा हुआ दही है हम भगवान के ऊपर से इस तरह, ये देखिए, तो ये जो है संपूर्ण भगवान को आच्छादित कर देता है दही। इसी तरह हम भगवान को जो है 10 से 15 मिनट तक पंचामृत में छोड़ देंगे और उस समय तक भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। अगर आपके पास कोई पर्दा लगाने की व्यवस्था है तो आप पर्दा लगा करके भगवान को वहीं रखें। अगर व्यवस्था नहीं है तो सब लोगों से कहें कि आंख बंद करके भगवान के नाम का उच्चारण करें। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, इस तरह से उनकी दिव्याति दिव्य स्तुतियाँ गाएँ। संस्कृत की स्तुतियाँ आती हैं तो संस्कृत की स्तुतियाँ गाएँ। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इसी तरह की स्तुति करते हुए इंद्रादि देवताओं ने जो स्तुति करी उसका, उस स्तुति का नाम गर्भस्तुति है। तो आप भी जो है, अगर आपको गर्भस्तुति नहीं आ रही है तब आप जो है भगवान के नाम का मात्र संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस तरह से नाम का उच्चारण करें। और जैसे ही 12 बजें उस समय जो है आपको भगवान को यहाँ से जो आपका पंचामृत का पात्र है उसमें से बाहर निकाल लेना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यहाँ जो है पुनः भगवान को विराजमान करवा देना है। इस पंचामृत को किनारे रख दीजिए, इसी पंचामृत का प्रसाद आप सबको बांटेंगे। तो इस तरह से जो है भगवान को बाहर निकाल लीजिए। कई लोग जो हैं खीरा और पपीते के माध्यम से जन्म करवाते हैं, परंतु हमने गुरुकुल में
खीरा और पपीते का प्रयोग केवल नैवेद्य के लिए ही देखा है। जन्म कराने के लिए हमने खीरे और पपीते का उपयोग नहीं देखा है, अतः हम उस मान्यता का पालन नहीं करते हैं। हम पंचामृत से ही भगवान को जन्म कराते हैं, चाहे अपने घर में हों चाहे अपने यजमानों के घर में हों, हम सदैव पंचामृत का ही प्रयोग करते हैं। विशेष प्रसाद रहता है, जैसे धनिया की पंजीरी इत्यादि बनाते हैं, परंतु वह सब जगह के लिए नहीं है। यह एक लोक मान्यता है कि धनिया की पंजीरी बांटना चाहिए। यहाँ भगवान के प्रसाद में कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने भगवान को बाहर निकाला है, अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो शंख के माध्यम से ये जो हमने दूध रखा हुआ है उसी दूध को शंख में भर लेंगे और जो है भगवान का नामोच्चार करते हुए भगवान को स्नान कराएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप अधिक देर तक जो है भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें और उनको बढ़िया दिव्यातिदिव्य स्नान अवश्य करवाएं। दूध से स्नान करवाने के पश्चात भगवान को निकाल लेवें और शुद्ध जल के माध्यम से स्नान कराएं, स्तुति का गान करते रहें। अब हम भगवान को यह वस्त्र पहनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को हमने वस्त्र पहना दिया है, अब हम भगवान को यहीं विराजमान करवाएंगे। विराजमान करवाने के पश्चात भगवान को तिलक लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चंदन के बाद चावल अर्पित करेंगे, चावल के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। जो आपने पुष्प लाए हुए हैं पीले वाले, वह पुष्प जो है भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को तुलसी पत्र दीजिए। तुलसी पत्रम समर्पयामि। तुलसी पत्र के पश्चात भगवान को धूप दिखाएं। धूप दिखाते समय घंटी बजाना चाहिए। ओम भगवते श्री बालकृष्णाय नमः, बालकृष्णाय नमः। तत्पश्चात भगवान को चावल अथवा पुष्प का ही दीप दिखाएं और भगवान के पास छोड़ देवें। दीप के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है, हाथ धो लेना चाहिए। और यहाँ जो है हम भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। नैवेद्य दिखाने के लिए यहाँ हम थोड़ा सा जल से शुद्ध कर लेंगे और इसके बाद जो है भगवान का यह नैवेद्य वहाँ रखेंगे। तुलसी पत्र रखेंगे और भगवान को 5 बार इस तरह से चम्मच जल घुमाएंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान को इस तरह से 5 बार जल घुमा कर नैवेद्य दिखाएं। तत्पश्चात भगवान के लिए जो आपने फल की व्यवस्था की है, यह फल भी भगवान के सम्मुख रख दीजिए। इसमें भी आपको क्या है, तुलसी पत्र अर्पित करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको जो स्तुति आए आप उसी स्तुति का पाठ कीजिए। अब हम भगवान की आरती करने जा रहे हैं। आरती करने के लिए हमने पहले ही एक दीपक बनाया हुआ है, उस दीपक को अब हम प्रज्वलित करेंगे और दीपक का पूजन करेंगे। आरती से पहले आप जो है काफ़ी समय तक बैठकर, अधिक समय तक बैठकर के भगवान का नाम स्मरण करें, उनकी बधाई गाएं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, लड्डू दिनी पेड़ा दिनी और पुआ माल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस तरह से जो है आप भगवान के लिए बधाई इत्यादि गाएं। अब यहाँ हम आरती करेंगे।
आरती करने के लिए एक पुष्प लें, उसमें गंध और चावल लगा करके दीपक को प्रणाम करें और दीपक को जल घुमा करके शांत करें। अब आरती करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक और आरती दोनों दे रही हैं, आप वहां से आरती गाइए। हम वही आरती यहां गाने वाले हैं। भई प्रगट गोपाला परम दयाला यशुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना मन अनुमाना पूतन वेगी पठाई तेहि हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहाँ यदुराई तेहि जाई उठाई हृदय लगाई पायधर मुख में दीना तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तासुहर लीना जब इंद्र रिसाए मेघ बोलाए बस करता ही मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि झारी नख पर गिरिवर धारी कंसासुर मारो अति अहंकारो बच्छासुर संहारो बांकासुर आयो बहुत डरायो ताको बदन बिदारो तेहि दीन जानी प्रभु चक्रपाणी प्रभु ताहि दीन निज लोका ब्रह्मा शिव आये अति सुख पाए मगन गए भय शोका यह छंद अनुपा है रस रूपा जो नर या को गावे तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाय देखन चाहत बालु सुख रहे कछुक दिन छाय जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र परवाय चारु बधाई रीति सब करती यशोदा माय। इस तरह बोल करके दिव्याति दिव्य आप आरती करें, आरती में जल घुमाकर आरती को शांत करें, भगवान को इस प्रकार से आरती दिखाएं, अपने पूरे घर में आरती दिखाएं, अपने बंधु बांधवों को भी आरती दिखाएं। आरती के बाद हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा याचना करें। हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, आपकी पूजा अनंत है, मैं पामर मनुष्य साधारण मनुष्य आपकी पूजा करने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु मैंने जो भी यह चावल पुष्प के द्वारा आपकी पूजा अर्चना की है उस पूजा को आप स्वीकार करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। पूजा में कोई सामग्री कम हुई है तो मुझे क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, अपनी शरण में मुझे मेरे परिवार को मेरी बंधु बांधवों को लगाए रखें, अपने चरणों का भक्ति प्रेम प्रदान करें, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से जो है भगवान के पूजा की आपने यहाँ पूर्णाहुति कर दी है। अब जो है सभी लोगों को इस पंचामृत का प्रसाद बांटें, फल का प्रसाद बांटें। अगर आप उपवास रह रहे हैं तो दूसरे दिन पारण करें, आप भगवान का पंचामृत लेकर के उस रात्रि विश्राम करें। जागरण कर सकते हैं तो बढ़िया जागरण करें, रात्रि जागरण करना चाहिए, जागरण कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो है दूसरे दिन आपको पारण करना चाहिए। आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के यह जन्मोत्सव पूजा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मन के भावों को
कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।